मेरा गांव मेरा देश वो मुहिम जिसके जरिए हम आपकी आवाज उठाते हैं, उन जन समस्याओं को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये वो जन समस्याएं हैं जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। वोट देना और वोट लेना, सिर्फ राजनीति यहीं खत्म हो जाती है। जाति धर्म में बांटकर और राजनीतिक मुद्दे उन बुनियादी मुद्दों से दूर हो जाते हैं जिसके आधार पर आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन वही जनप्रतिनिधि अगर आपकी सुध ना ले तो सवाल खड़ा होता है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये तीन चार ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिसमें अगर सुधार हो जाए तो देश का विकास हो जाए। इसीलिए इस मुहिम के जरिए हम उन जनप्रतिनिधियों को, उन अधिकारियों को, हुक्मरानों को जगाते हैं जिनका सीधा ताल्लुक इसी समस्या से होता है। आज एक ऐसी ही समस्या लेकर हम आपके बीच में पहुंचे हैं। मसला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनाथ नगर का है, जहां का एक स्कूल ने हैरान और परेशान कर दिया। वो स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, क्या वाकई पढ़ते हैं? यह रिपोर्ट देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। और आज कोशिश करेंगे उन्हीं अधिकारियों से जानने की कि आखिरकार स्कूल की हालत ऐसे क्यों है और क्या ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था, जो बुनियादी जरूरत है, आपके और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहां पर अगर ये हाल है तो फिर कैसे सुधरेगी व्यवस्था? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे आज उन अधिकारियों की तरफ जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। सुनसान खेतों में खड़ी ये इमारत इटावा ब्लॉक के सीसवा बुजुर्ग गांव के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की है। इस आवासीय विद्यालय में लगभग 100 बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन है, जबकि सिर्फ यहां पर 13 बालिकाएं ही मौजूद मिली। कंप्लीट बाउंड्री वॉल और गेट ना होने से आवारा जानवर इस स्कूल में घूमते दिख जाते हैं। स्कूल में साफ सफाई कहीं नजर नहीं आ रही है, सब कुछ तितर बितर है। ऐसा नहीं है कि स्कूल की ऐसी दयनीय स्थिति अभी हाल में हुई है, स्कूल की हालात पिछले कई सालों से ऐसी ही है। यहाँ पर तैनात स्टाफ कैमरे पर कुछ भी बोलने से पहले तो कतरा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कई ऐसे राज खोल दिए। आज होम साइंस का और स्काउट गाइड का पेपर था, सेकंड शिफ्ट में स्काउट गाइड का था और फर्स्ट शिफ्ट में होम साइंस का था। बच्चे 13 बच्चे उपस्थित थे इस टाइम। इधर कोई आने जाने की सुविधा नहीं है और स्टाफ की कमी, सुविधाओं की कमी है, इसलिए बच्चे ऊपर। मेन तो यहाँ पे स्टाफ कम है और जो दो लोग थे मैटरनिटी लीव पे थे, इसलिए जो है समस्या है कि यहाँ आने जाने की समस्या है। रोड से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है स्कूल और कोई साधन नहीं मिलता है आने जाने का। वहीं इसको लेकर बच्चों से बात की गई तो उन्होंने साफ कह दिया है कि रोज एक ही तरह का भोजन परोसा जाता है, हफ्ते में कभी कभी कुछ अलग अलग बना दिया जाए तो गनीमत। रसोइये का कहना है कि किचन की हालत बद से बदतर है, फर्श टूटा हुआ है, सांप निकलते रहते हैं, किचन में अकेले आने में डर लगता है। वहीं मीनू के हिसाब से खाना ना बनने की बात पर कहा कि जो हम लोगों को मिलता है वो हम बना देते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? आज नाश्ते में क्या था बच्चों? आज तो केला, दूध और अंडा था और केला था। आप यहाँ किस पद पर हैं? किस पद पर हैं यहाँ आप? मुख्य क्या? और दोपहर में क्या बना था बच्चों के लिए? रोज सुबह में क्या बनता है? वह
स्कूल की बदहाली को लेकर वहां पर मौजूदा शिक्षिका मौके पर इंचार्ज चंद्रप्रभा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी मैं छुट्टी पर से आई हूं, मैं छुट्टी पर गई हुई थी, मुझे जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्कूल टाइम में किसी काम से बाहर गए हुए हैं। यहाँ पे जो है टोटल कितने स्टाफ है देख लेते हैं। प्रेजेंट टाइम पे जो है ये संतोष हैं, अभी गए हुए थे संडे को, तो अभी वो मतलब आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार का तबीयत खराब होता है। आप यहाँ कितने सालों से कर रहे थे? हम तो यहाँ पे कार्यरत हैं अप्रैल 2016 से ही है। पता है, लेकिन एक वार्डन मैम थी वो चली गई, उनका आरटीसीटी में हो गया था, उसके बाद प्रभारी वार्डन मैम है, फिर हम है, फिर एक लोग मैटरनिटी लीव पे है, और ये दूसरा मैम। कितने प्रेजेंट है यहाँ? कितने स्टाफ है और आज कितने प्रेजेंट है यहाँ पर? जो है 10 स्टाफ है ना, और बाकी जो है कुछ लोग जो है जैसे कुछ काम के लिए बाहर निकले हुए हैं, संतोष है, शैलेश है, और 4 टीचर है, जितने से है 4 टीचर है, और बाकी सभी लोग तो है उपस्थित जो है। स्कूल टाइम में ही लोग चले जाते हैं? नहीं नहीं, स्कूल टाइम पे नहीं जाते हैं, आज जो है चले गए संडे की वजह से, घर के लिए जिसका घर नजदीक है वो चले गए थे संडे की छुट्टी। अटेंडेंस वो आ रही थी ना आज, जैसे उनके यहाँ कुछ वो नहीं है तो अटेंडेंस किसने लगा? अटेंडेंस तो जो है स्वयं कह रही थी आने के लिए, अटेंडेंस तो जो है लगा नहीं है फिलहाल, सभी लोग अपना लगा के ही जाते हैं। यानी सवालों में शिक्षा व्यवस्था है जिसका हाल बेहाल है। उम्मीद है कि तस्वीर देखने के बाद जिम्मेदार महकमा हरकत में आएगा और धुंधली तस्वीर को सुधारेगा। सिद्धार्थनगर से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए दीप कुमार की रिपोर्ट। तो ये व्यवस्था है स्कूल की। आप जरा सोच के देखिए कि शिक्षा व्यवस्था का आलम धरातल पर क्या होगा। ये तो एक वानगी भर है। आज कोशिश करेंगे जिम्मेदार महकमे से इस सवाल का जवाब तलाशने की कि आखिरकार ये तस्वीर सुधरेगी तो सुधरेगी कैसे, और इस तस्वीर का जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई जिम्मेदार महकमा जिम्मेदारी लेने से कतरा रहा है, या फिर सीधे तौर पर मसला काम चोरी से जुड़ा है? और ऐसे स्कूल में जरा सोच कर देखिए क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे जहां हालात इस कदर हों। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं जरा आपको वो भी सुनाते हैं, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने आज के मेहमानों की तरफ, अपनी मुहिम की तरफ, जिम्मेदार महकमे को जगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आपने हमको जानकारी दी है, और इस विद्यालय को मैं स्वयं देखूंगा। इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो बहुत ही गंभीर मामला है, और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस विद्यालय का मैं स्वयं निरीक्षण करूंगा, और जो आपने कमियां बताई हैं उसको हम लोग दूर करने का उनको प्रयास करेंगे। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि उन कमियों को दूर करेंगे जिसकी वजह से ये दिक्कतें और समस्याएं बनी हुई हैं। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे इस हालात तस्वीर को सुधारने की। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी की तरफ जिन्होंने इस खबर को आप तक पहुंचाया। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीप कुमार जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से। दीप, ये मसला क्या है और क्यों इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं सिद्धार्थनगर में? और ये स्कूल है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ऐसे ही बच्चे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे? जी आपको बता दें, ये विद्यालय जो है इटवा विधानसभा में बना है, गांव का नाम है सिसवा बुजुर्ग, जहाँ पे ये सिवान में विद्यालय बना हुआ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ये मेरी नजर में करीब 5 से 6 सालों से है, जो इसकी हालत इसी तरीके से बद से बदतर है। कुछ सालों पहले तो वहाँ पे स्कूल पे बाउंड्री नहीं थी, बच्चों के लिए शौचालय नहीं था, लेकिन कुछ सुविधाएं सुधरी हुई है, लेकिन इस समय भी उसकी हालत बद से बदतर है। ना ही शौचालय सही ढंग से है, बाउंड्री बनी है टूटी हुई है, आवारा पशु और आवारा जानवर सारे वहाँ पे आते हैं। बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाओं से बच्चे वंचित रहते हैं। यहाँ के टीचरों की लापरवाही अगर देखनी हो तो यहाँ कम से कम 6 और सारे स्टाफ मिला के 10 स्टाफ होंगे, लेकिन टीचर जो है
नहीं आते हैं, नदारद रहते हैं, अपनी सिग्नेचर बनाते हैं और गायब रहते हैं। हम जब विद्यालय पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू की कवरेज के दौरान, तो पता चला कि विद्यालय पे दो ही टीचर हैं, बाकी लोग नदारद दिखे। दो टीचर हैं और कितनी बालिकाएं हैं वहां पर, बालिका विद्यालय में? वहां पे 90 से 100 के बीच बालिकाएं हैं, जो मौजूदा वक्त निरीक्षण के दौरान कवरेज के दौरान केवल 10 से 12 बच्चे ही मिले जी। 10 से 12 बच्चे मिले। समस्याएं क्या क्या हैं वहां पर, या यूं कहूं कि शायद समस्या ही समस्याएं हैं? वहां पे समस्याएं गिनाई नहीं जा सकती, कितनी समस्याएं हैं। सरकार की तरफ से जो भी लाभ बच्चों के लिए दिया जाता है, जो सुविधाएं दिया जाता है, वो बच्चों को मुहैया नहीं कराया जाता जिम्मेदारों के द्वारा, उसे डकार लिया जाता है। लेकिन आलम यह है कि बच्चों से पूछने के बाद भी बच्चे उस दर्द को किसी से बयान नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये रसोईया की बात मैं सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि भैया जो मेरे को मिलता है मैं वही बना देता हूँ, क्या मेन्यू डिसाइड नहीं होता पहले से कि बच्चों को देना क्या है? जो मौजूदा स्टाफ है, जो काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी निरंतर वहां पे आता है, और बच्चे जो पढ़ने आते हैं, उनके साथ ये सारी समस्याएं बनी हुई है। और ये जो है जिम्मेदार, जो वहां के जिम्मेदार है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, वो सही तरीके से नहीं निभाते। लेकिन दीप, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेन्यू तो पहले से डिसाइड होता है ना कि आपको कब कौन से दिन क्या बनाना है जी, वो समस्या फिर कैसे बनी हुई है? वो भी क्योंकि जो मेनू के हिसाब से जो सामान दिए जाने चाहिए बनाने के लिए रसोइयों को, वो सामान जिम्मेदारों द्वारा नहीं दिया जाता, तो जो सामान होता है बच्चों के लिए बनाने के लिए, वही बनाकर रसोइया देती है, वही बच्चे खाते। अच्छा, आपने बच्चों से पूछा होगा दीप, बच्चे क्या कह रहे थे, ये समस्या कब से बनी हुई है? इस समस्या को लेकर बच्चों से बहुत पूछा गया, लेकिन बच्चे जो होता है कि जो वहाँ पे शिक्षक है, उनके आदेशों से ऊपर जाकर कुछ बोलते नहीं है, डरे सहमे रहते हैं, उनको जो भी मिलता है वो खा के मजबूरी में पढ़ाई करते हैं। नहीं, वो लेकिन तो, दीप, वो तो एक ह्यूमन नेचर है, हम भी तरीके से आप और हम भी छात्र, नहीं आप और हम भी छात्र रहे हैं, और अध्यापक का डर होना भी चाहिए जी। अध्यापक का डर नहीं होगा तो फिर बच्चा पत्रकार भी नहीं बन पाएगा, ना वकील बन पाएगा, ना डॉक्टर बन पाएगा। हाँ, राजनेता तो बन सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये समस्या का समाधान के लिए क्या कभी कोई जिम्मेदार महकमे ने कुछ कोशिश प्रयास किया क्या? इस मुद्दे को हमने 2 साल पहले भी उठाया था, बहुत ही गंभीरता से उठाया था, इस पर अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया था, जिम्मेदारों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी आश्वासन दिया था कि इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा, लेकिन ये खाली उनके लिए हवा हवाई होती है। जब इस खबर को चलाया जाता है, दिखाया जाता है, तो टीवी पर आकर बयानबाजी कर निकल जाते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं करते। ये इटावा का मसला है ना, तो यहाँ से विधायक कौन है, माता प्रसाद पांडे जी? ये सिद्धार्थनगर जिले का इटावा विधानसभा है, जहाँ से सपा के विधायक माता प्रसाद पांडे है, और इससे पहले इटावा से भाजपा विधायक डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी थे, जो बेसिक शिक्षा मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने भी अपने कार्यकाल में इस व्यवस्था को नहीं सुधार पाया। ये बात बड़ी दिलचस्प हो जाती दीप, इटावा और माता प्रसाद पांडे, बताइए इतने बड़े नेता और उनके क्षेत्र में इस तरह का स्कूल, क्या ये वाकई सवाल नहीं है? तो सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े बड़े नेता जो इटावा विधानसभा से निकलते हैं, जो पूर्व स्पीकर रहते हैं, यहाँ से बेसिक शिक्षा मंत्री रहते हैं, उनके क्षेत्र का विद्यालय बदहाल है, वहाँ के बच्चे इस तरह की परिस्थिति में पढ़ने को मजबूर है, और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वहाँ बाउंड्री वॉल खुली हुई है, वहाँ आवारा पशु कुत्ते बाउंड्री में घूमते हैं, उनके कक्षाओं में घूमते हैं, उनके भोजनालय कक्ष में घूमते हैं, जहाँ बच्चे बैठकर खाना खाते हैं उनके पास घूमते हैं, लेकिन बच्चे उसी मजबूरी में खाना खाते हैं और मजबूरी में पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल दीप, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार हम जिम्मेदार महकमे को कॉल कर रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले के बाबत अवगत करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार महकमा का नुमाइंदा जो है वो आज फोन पर आने के लिए तैयार नहीं है। और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से, जिन जिनको हम फोन मिला रहे हैं, कृपया उनकी बेल को भी सुनाइए, ताकि जनता को हम बता सके हमने किन्हें फोन मिलाया और किन्हों ने फोन नहीं उठाया, और ये कौन कौन से जिम्मेदार महकमे के अधिकारी हैं जिनको फोन हम मिला रहे हैं। लगातार हम फोन की घंटी भी कुछ देर में आपको सुनाएंगे, लेकिन यहां मसला सिद्धार्थनगर का है,
और आपने इटवा गांव का जिक्र किया, और ये ग्राम प्रधान क्या कहते हैं वहां के, आपसे ये मैं जानना चाहूंगा दीप, ग्राम प्रधान का क्या कहना है इस समस्या के बारे में? सर, ग्राम प्रधान का भी यही कहना है कि ये समस्या मैंने कई बार उठाई है, अधिकारियों को भी इसको लेकर सूचित किया है, और जो वहाँ पे शिक्षक हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं, जो निरंतर आ रहे हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने भी इसका संज्ञान उच्च अधिकारियों को दिया है, लेकिन जो इसके मैनेजमेंट देखते हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पे समस्या लगातार बनी हुई है। ये समस्या बनी हुई है, तो अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं एक बार फिर से हम आपको वो बयान सुनाते हैं, और फिर सीधा रुख करेंगे उन जिम्मेदार महकमे की तरफ, और कोशिश करेंगे जो फोन नहीं उठा रहा उसके फोन की बेल सुनाइए, जो फोन नहीं उठा रहा उनके फोन की बेल सुनाइए, और ध्यान से सुनाइएगा, जो नहीं उठा रहा उसका नाम लेकर हम अवगत करवाएंगे कि कौन फोन नहीं उठा रहा है। तो मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कृपया उनकी बेल जरूर सुनाए जी, प्लीज, और बताइएगा नाम जिन अधिकारियों को हम फोन कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा रहे। ग्राम प्रधान हमारे साथ बबलू शुक्ला जी जुड़ चुके हैं सिसवा इटवा गांव से। बबलू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, बबलू जी कैसे हैं आप? आराम से हैं सर। बबलू जी, आपके संज्ञान में मैं एक मामला लेकर आना चाहूंगा, आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर इस वक्त लाइव हैं। इटवा का एक मामला है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, वहां की जो हालत है वो आपके संज्ञान में है? संज्ञान में नहीं, तो उसे बीडीओ साहब आए और एडीएम साहब आए थे, ठीक है। हाँ, तो संज्ञान में हमारा तो था नहीं, हमारा हो गया था एक्सीडेंट, अब सही हुआ है, कुछ दिन गए हैं, सही यही करवाए हैं, साफ सफाई करवाए हैं, कैटरिंग करवाए हैं। नहीं, आपके संज्ञान में क्या है, ग्राम प्रधान जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके संज्ञान में क्या है, क्या है वहाँ पर, क्या समस्याएं हैं स्कूल में? समस्याएं वही था, साफ सफाई का जी। क्या समस्याएं हैं आप बताएंगे मुझे? समस्याएं वही के वो था, साफ सफाई के लिए, बस साफ सफाई की समस्या है जी। अब हो गया है, गए थे सर। अच्छा, ग्राम प्रधान जी, क्या आप जानते हैं वहाँ पर कितनी बालिकाएं पढ़ती हैं वहाँ, आप जानते हैं? नहीं ये तो हमको नहीं सूचना, आपको नहीं मालूम है। ग्राम प्रधान जी, क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर कितने अध्यापक हैं? नहीं, आपको ये भी नहीं मालूम है। ग्राम प्रधान जी, आपको ये मालूम है वहाँ पर बाउंड्री वॉल तक नहीं है, और आवारा पशु जो है, जानवर है, जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल है, उसके बावजूद जो है आवारा पशु वहाँ पर घूमते हैं आराम से, तफरी काटते हुए, नहीं अगल बगल रहते होंगे। अच्छा, अगल बगल जाते होंगे जी। वहाँ रसोईया है, एक रसोईया बता रहा था, अब रसोईया की नौकरी मत खा लीजिएगा, रसोईया ये बता रहा था कि भाई जो हमें मिलता है हम वही बना देते हैं, मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाना तक नहीं मिलता, आपको मालूम है? नहीं नहीं, हम तो नहीं जाते हैं कभी उधर, चेक करने जाते हैं, ऐसे देखते हैं, लेकिन हमको मजदूर नहीं। बबलू शुक्ला जी, देखिए ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान मतलब होता है कि गांव का प्रतिनिधि, आप प्रतिनिधि हैं, जन प्रतिनिधि हैं, अगर ऐसी समस्या बनी हुई और आप अगर धरने तक पर नहीं बैठ सके तो फिर तो ग्राम प्रधान किस बात के सर? नहीं नहीं, तो हम तो मिला, हम जाते हैं, जब हमको मिला जाइए देखिए कहाँ कोई दिक्कत हो। आपके सर, आपके आदेश से पालन नहीं होगा, आप जब जाएंगे वहाँ पर तो तुरंत काम होगा, कब जाएंगे वहाँ पर? ठीक नहीं, आप लाइव है इस वक्त, ग्राम प्रधान जी आप लाइव है इस वक्त आपको आवाम सुन रही है, आप न्यूज चैनल पर लाइव है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कब जाएंगे आप ग्राम प्रधान जी? बबलू जी, हम गए थे परसों भी, गए थे कल भी, गए थे सोमवार को भी जाएंगे, कल तो छुट्टी है। हाँ, सोमवार को जाकर क्या करेंगे आप वहाँ? जाएंगे, देखेंगे, बच्चों से पूछेंगे, किसी को कोई दिक्कत को परेशानी हो बताइए, भोजन, बच्चे बेचारे सहमे हुए हैं, वो कैसे बताएंगे आपको कि क्या समस्या, आप तो जानते ही हैं सारी समस्या। नहीं, तो हम अकेले जाएंगे, देखेंगे ना, नहीं कोई दिक्कत होने पाएगा, तो सोमवार को आप जाएंगे और तुरंत कार्रवाई होगी वहाँ पर, आप ये कह रहे हैं जी? और अगर नहीं हुई ग्राम प्रधान जी तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, हो गए तो शिकायत होगा ना, ऐसा कोई ना कि हाँ अपने मनमानी काम करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं बबलू जी कि आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं, राजनीतिक दल? जी, बीजेपी से। बीजेपी से, मतलब बताइए, डबल इंजन की सरकार है उसमें भी यही हाल है बबलू जी? तो सही कहा गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है
ये अभी तक हमको उससे कोई हुआ देता है दे नहीं कोई दिक्कत, लेकिन अब हम आ रहे उसमें है गंजाने अब हम नहीं देखिए बबलू जी, बबलू जी दो तीन दिन सुनिए बबलू जी, बबलू जी मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, देखिए देखिए आपके और हमारे मुख्यमंत्री जी कितनी मेहनत करते हैं दिन रात, बहुत मेहनत करते हैं ना, अब उनकी मेहनत पर ये अधिकारी अगर पलीता लगाएं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं 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 लगेगा, नहीं लगेगा ना, रोकना है। हाँ तो ऐसे ऐसे जिम्मेदार आप सहयोग करिए विकास के लिए, आप सहयोग करिए, यही तो बच्चे भविष्य हैं आपके ना, हमारे देश के भविष्य, यही बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तो आप राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र सेवा के लिए कदम तो उठाएंगे ना? जी एकदम एकदम। हाँ तो हमारे अगर अगर मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनके अधिकारी इस तरह से पलीता ना लगाएं, ये चाह रहा हूँ। नहीं 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 सही कहा जाए, सही कह रहे हैं आप। हाँ लेकिन सही बात तो है, लेकिन सही बात आपको सहयोग करना होगा इसके लिए, इसके लिए आपको सहयोग करना होगा। जी जी जी। सोमवार को कितने बजे पहुंचेंगे? मेरे मेरे प्रतिनिधि भी आपके साथ होंगे, कितने बजे पहुंचेंगे सोमवार को आप वहाँ? ठीक है ठीक, हम 8:30 बजे तक पहुंचेंगे वहाँ। 8:30 बजे तक? जी 8:30 बजे तक दीप पहुंच जाएंगे। ग्राम प्रधान बबलू शुक्ला जी कह रहे हैं कि मैं पहुंचूंगा मौके पर, और ऐसे बाज अगर जो नहीं आएगा उसको छोड़ूंगा नहीं, बबलू जी कह रहे हैं। थैंक यू। जी मैं आपको बता दूं कि अगर प्रधान जी विद्यालय तक जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा उनसे पहले। नहीं नहीं जाएंगे बबलू जी, आवाज को उठाऊंगा और वहां की जो समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए मैं जरूर जाऊंगा। नहीं नहीं दीप ये कह रहे हैं जाएंगे, ग्राम प्रधान है, ऐसे लाइव में झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, वो लाइव में झूठ नहीं बोलेंगे, वो जानते हैं कि इस वक्त वो लाइव है और जनता उनको सुन रही है। जी मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रधान जी से कि मैं जरूर आऊंगा वहाँ पे, क्योंकि हाँ। मैं गया था उस स्टोरी को करके आया हूँ, मैंने वहाँ देखा है कि कितनी समस्याएं हैं, किस तरीके से बच्चे वहाँ रहते हैं, वहाँ के स्टाफ वहाँ रहते हैं हाँ। और उस समस्या को झेलते हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देते। ग्राम प्रधान जी देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मैं सोमवार को देखिएगा आप, छोड़ूंगा नहीं किसी को, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, सोमवार को कह रहे हैं मैं जाऊंगा और फिर देखिएगा कि कैसे मैं वहां पर व्यवस्था को सुधार दूंगा। ग्राम प्रधान जी बबलू शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े होते, थैंक यू सो मच बबलू जी। सोमवार को फिर मुलाकात होती है, दीप वहीं पर होंगे, समय आपने दिया सुबह 8:30 बजे का, दीप आप समय नोट कर लीजिएगा, ग्राम प्रधान जी कह रहे हैं कि मैं सुबह पहुंच जाऊंगा सोमवार को 8:30 बजे, आप 8:15 बजे पहुंच जाइए ग्राम प्रधान जी से पहले, देखिए कैसे सुधरेगी व्यवस्था, और हम भी तो यही चाह रहे हैं कि व्यवस्था सुधरे, मसला राजनीति का है ही नहीं, मसला तो व्यवस्थाओं को सुधारने का है। दीप और क्या क्या जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम फोन मिला रहे हैं, मैं आपको बता दूं पूर्व विधायक हैं इटवा से सतीश चंद द्विवेदी जी, वो फोन नहीं उठा रहे, माता प्रसाद पांडे जी वो फोन नहीं उठा रहे, और बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे उनको भी हम फोन मिला रहे हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहे, लेकिन ये समस्या और ये जो वीडियो क्लिप है ना दीप, ये पहुंच जाएगी मैं जानता हूं अधिकारियों तक। दीप जी जी सर मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं जो समस्याओं को लेकर ही, जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके पास हम जाते हैं, इन समस्याओं को उठाते हैं, अपने न्यूज वर्ल्ड इंडिया चैनल के माध्यम से उठाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने जिम्मेदारियों से इसी तरीके से भागते हैं और उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे कि बीएसए से हम लोगों ने बात किया, जाके उनसे पूछा इस समस्या पर, तो उन्होंने सीधा सीधा पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुआ है, मुझे यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी नहीं थी तो कम से कम आज चैनल पे आके इस चीज को, उस समस्या को उनको सुनना चाहिए था, उनको सामने आके कहना चाहिए था कि मैं जरूर उस विद्यालय पर जाऊंगा और वहाँ की समस्याओं को देखूंगा और उसके निस्तारण के लिए क्या काम कुमार पांडे जी, अगर कोई अध्यापक वहाँ दोषी है तो देवेंद्र, देवेंद्र कुमार पांडे जी के संज्ञान में तो मामला होगा ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उनके संज्ञान में। जी मामला संज्ञान में गया है, लेकिन इसी तरीके से जिस तरीके से लाइव डिबेट में आप फोन कर रहे हैं, उनको फोन नहीं उठा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इसी तरीके से लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। अगर मैं आपके सहयोगी से चाहूंगा कि आज बैल नहीं सुनाई दे रही मुझे, आज किसी की बैल नहीं सुनाई दे रही, मैं सहयोगी से चाहूंगा कि जरा बैल भी सुनाए जनता को और बताए मुझे कि कौन से अधिकारी को हम फोन मिला रहे हैं और कौन फोन नहीं उठा रहा है, कौन फोन नहीं उठा रहा है कृपया वो भी मुझे अवगत करवाएं। जी सतीश जी से हमारी बात हो रही है, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से ही, इसी क्षेत्र के, लेकिन सतीश जी अब देखते हैं कि फोन लाइन पर आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन ये समस्या सुधरे यही हम गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन सतीश जी ने किसी और को फोन दे दिया। सतीश जी तभी जनता ने आपको विधायक से पूर्व विधायक बना दिया, सतीश जी दूसरों को फोन देंगे तो सत्ता भी जनता दूसरों को दे देगी, मतलब आपकी विधायकी छीन कर किसी और को विधायक बना देगी जैसे जनता ने किया।
अब देखिए सतीश जी ने किसी और को फोन थमा दिया। यही हालात हैं। आप जब तक विधायक हैं तो जनता की सुनेंगे नहीं, विधायक नहीं बनेंगे जनता हरा देगी तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, मतलब सुननी है ही नहीं। और फिर कहते हैं कि जनता ने हमें वोट नहीं दिया, और वोट नहीं दिया तो मैं क्यों उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आ गया हूं। जब 5 साल बाद जनता के बीच में जाऊंगा, अगर मौका मिला, टिकट मिली, तो फिर वोट मांगूंगा, फिर कह दूंगा। सतीश चंद द्विवेदी जी, सतीश चंद द्विवेदी जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बोल रहा हूं। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। मैं आपके संज्ञान में एक समस्या लाना चाहूंगा, और इस वक्त आप लाइव हैं सर, मैं चाहूंगा कि गुजारिश है आपसे मेरी, अगर समस्या सुन लेंगे, जनता इस वक्त आपको सुन रही है। जी सर, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, ये आपका सिसवा बुजुर्ग गांव पड़ता है। हाँ। उस क्षेत्र में है सर, और वहाँ हालात ये हैं कि ना तो टीचर पहुँचते हैं, ना तो वहाँ पर बच्चों को खाना नसीब हो पा रहा है, बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी है, पूरी तरह से इमारत जो है वो जर्जर हालत में है। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, बाकी आपका विवेक, इनका सहयोग और मदद कर सकते हैं सर आप? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक बार जी नहीं, देखिए मैं तो अब बेसिक शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, हमारे मित्र संदीप सिंह जी विभाग को देख रहे हैं जी। एक बार वहाँ की समस्या संज्ञान में आई थी, उसके लिए आप जानते हैं कि हर चीज के लिए अलग अलग बजट होता है, जैसे जरूरत पड़ती है उस हिसाब से चीजें खर्च होती हैं। उसके वहाँ मरम्मत की जरूरत है बिल्डिंग के, उसके लिए लिखा गया है शासन से जैसे ही धन मिलेगा उसकी बाउंड्री और इसका काम होगा। सिर्फ मैं किसी दिन वहाँ जाकर देख लूंगा, वहाँ की जो समस्याएं हैं मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराऊंगा, उसका समाधान किया। सतीश सर एक गुजारिश थी आपसे, क्योंकि आप सतीश जी देखिए सर मैं नहीं हूँ अब उस दायित्व में, आप नए सर मैं मानता हूँ सर दायित्व में नहीं है, लेकिन समस्याओं से वो सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है सर, मैं जानता हूँ उस विद्यालय को। जी सर मैं जानता हूँ आप दायित्व में नहीं है, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो वो कोशिश कामयाबी की जरूर होगी। बिल्कुल करेंगे। मैंने आपसे कहा कि मैं खुद जाऊंगा किसी दिन वहाँ, और वहाँ की जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से माननीय मंत्री जी को अवगत कराकर उसका समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा। सर ये कब तक मैं आपसे उम्मीद करूँ की आप एक बार दौरा करेंगे? मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से वहाँ जाऊंगा, इसलिए हमसे टाइम लिमिट मत पूछिए। नहीं सर टाइम, सर आप जनप्रतिनिधि हैं तो मैं आपसे गुजारिश, मैं विधायक भी नहीं हूँ अब वहाँ, नहीं सर आपकी जानकारी के लिए। सर मैं जानता हूँ आप विधायक नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि आपने मैंने कहा मैं टाइम कैसे बता दूं आपको, मैंने कहा कि मैं बात करूंगा माननीय मंत्री जी से, संबंधित अधिकारियों से वहाँ की समस्या के समाधान। सर एक फोन कर देंगे तो शायद इनका काम हो जाए। कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी को अगर बोल देंगे देवेंद्र कुमार जी को, तो आपकी सुनेंगे जरूर, मुझे पूरा यकीन है। आप एक बार फोन कर दीजिए सर। सतीश सर ये है बीजेपी से पूर्व विधायक, अब कह रहे कि अब मैं मंत्रालय थोड़ी ना, मेरे पास पहले था, अब मैं विधायक थोड़ी ना हूं, पहले था, लेकिन कोशिश कर लूंगा, मन करेगा तो चला जाऊंगा, मन करेगा तो इनकी समस्या के समाधान के लिए मंत्री जी को फोन भी कर दूंगा, लेकिन जब मेरा मन करेगा मैं तभी जाऊंगा। ये तस्वीर, ये हकीकत है। और माता प्रसाद पांडे जी वहां के एक बड़े नेता हैं, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं जो मेरी जानकारी में आया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है दीप, ये अभी खबर जो है पहुंचेगी जरूर इन्हीं लोगों के पास जो फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं जानता हूं जी। और ये जब तक फोन नहीं उठाएंगे या फिर ये समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक यही घंटी हम लगातार बजाते रहेंगे, यही घंटी, जो अधिकारी फोन नहीं उठाते उनके लिए कह रहा हूं। थैंक यू सो मच दीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी दीप, जो सिद्धार्थनगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए थे। तो ये स्कूल की बानगी,
क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, यही मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, उन्हीं को इस मंच के जरिए हम उठाते हैं। आपकी आवाज बनते हैं हम और पूछते हैं जिम्मेदार अधिकारियों से कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। अगली बार होगी एक नई तस्वीर की बात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।